हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ पोलिनेशन ये कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक है आज का हमारा फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। मीन्स मतलब जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट जो एग है उनके जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होना, उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन of gamete known as fertilization and also called syngamy, and this process firstly studied by Strasburger. इन 1884 जो है इसमें स्ट्रासबर्गर इन्होंने इसको स्टडी किया है। और यह जो स्टडी किया था इन्होंने वो क्या था, लीलियम प्लांट जो है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की। स्ट्रासबर्गर जो है उन्होंने फर्टिलाइजेशन जो है उसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, और वो भी किस पे, लीलियम प्लांट पे। कब गया? इन 1884। ओके, इट इज द फर्टिलाइजेशन। एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आके दोनों गैमेट जो है वो एक साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या हुआ इसमें, फर्स्ट टाइम जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जो है जैसे ही पोलिनेट होंगे स्टिग्मा पे जाएंगे, तो वहां पे जाने के बाद में इसमें पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन कंप्लीट होगी। फर्स्ट वन, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है ये हमारे पास पिस्टल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे पोलिनेट होगा, यहाँ पे पोलिनेट होने के बाद में इसकी लैंडिंग हो गई, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। इट इज स्टिग्मा एंड इट इज पोलन ग्रेन। ओके, अब ये जो है वो किसी भी मीडिएटर के थ्रू आया हो, वाटर, विंड, इंसेक्ट, मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। अब ये यहाँ पे आ गया है, इसके आने के बाद में ये जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है इन दोनों के बीच में, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है इनके बीच में केमिकल सिग्नलिंग होती है, केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड क्रिस्टल और स्टिग्मा लग सकता है उसको। ओके, यहां से जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के थ्रू कुछ जो है एंजाइम्स, शुगर, बोरोन एंड वॉटर, ये जो मैटर है वो सारे के सारे यहाँ से सीक्रेट होंगे और
ये जो सीक्रेट ये मैटर्स होते हैं इन मैटर्स को एब्जॉर्ब करके, और ये जो पोलन ग्रेन्स होता है इस पोलन ग्रेन्स में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन मीन्स पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है, क्योंकि स्टिग्मा जो है इसके थ्रू कुछ मैटर्स सीक्रेट होंगे और उन मैटर्स को पोलन वॉल जो है वो एब्जॉर्ब करके और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। सो इट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। और इसमें ये जो है ये मेनली जो है वो केमिकली सिग्नलिंग होती है, कुछ केमिकल्स यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं जैसे शुगर है, वाटर है एंड एंजाइम्स, ये के सारे सारे यहाँ से रिलीज होंगे और पोलन बॉल जो है उसको एब्जॉर्ब करके और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब करके और उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब देखिए इसमें जैसे जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है तो उस वाली प्रोसेस में होगा क्या एक्चुअली, तो इसके लिए हमें जो है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखना होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा पोलन ग्रेन जो होता है इस टाइप से, पोलन ग्रेन जो है उसके ऊपर दो वाल प्रेजेंट होती है, ये हो गया हमारे पास पोलन। पोलन ग्रेन में इट इज एक्साइम एंड इट इज इंटाइम एंड इट इज जर्म पोर। ओके, एक्साइम है, एक्साइम का फॉर्मेशन हमें पता है कि किससे होता है, ये जो है एक्साइम का फॉर्मेशन स्पोरोपोलेनिन से, और इंटाइम जो है इसका फॉर्मेशन पैक्टोसेल्यूलोज। तो ये जो है पैक्टोसेल्यूलोज, इसमें नाम से पता चला इसमें पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज, ये जो ले इसका फॉर्मेशन हो रखा है पैक्टोसेल्यूलोज से। अब क्या होगा इसमें, जैसे स्टिग्मा से कुछ मैटर्स यहाँ पे जो है ये एब्जॉर्ब करेगा, जैसे वाटर, शुगर, ये जो मैटर है इनको एब्जॉर्ब करके और इसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने के बाद में अब यहाँ से जो पैक्टोसेल्यूलोज है, ये पैक्टोसेल्यूलोज इस एग्जाम पे बनेंगे, ये जो जर्म पोर होते हैं इन जर्म पोर के थ्रू यहाँ से जो है वो आउटसाइड में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में निकलना स्टार्ट होगी यहाँ से, इस तरह से फास्ट, फिर इसमें जो है और ग्रोथ होगी, नेक्स्ट स्टेप से यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से पोलन ट्यूब है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया स्टेप से। तो ये जो है ये होगा इसमें पोलन ट्यूब, इसका फॉर्मेशन जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो है ये रहेगा इसमें फर्स्ट स्टेप, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहां से देखिए एक जो पोलन ग्रेन्स होता है इसमें जनरली जो होता है एक पोलन ग्रेन्स जो है इसमें किसी एक जर्म पोर से एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, मतलब जर्म पोर तीन है, थ्री जर्म पोर प्रेजेंट है लेकिन उनमें से क्या होता है जनरली एक जो है एक पोलन ग्रेन्स, एक जो जर्म पोर है इससे एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज कॉल्ड मोनो साइफोनस, एक का यदि फॉर्मेशन हो रहा है देन इट कॉल्ड मोनोसाइफोनस। एक से भी एक का ही फॉर्मेशन होता है, कुछ जो ये जो मोनोसाइफोनस होता है इसका एग्जांपल देखिए कैप्सेला, इसका जो एग्जांपल है वह कैप्सेला में जो है मोनोसाइफोनस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें जो तीनों के तीनों या एक से ज्यादा दो में या फिर तीनों के अंदर जो है उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनस। सेकंड वन जो है ये रहेगा इसमें पॉलीसाइफोनस का मतलब कि यहाँ से इससे भी जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, इससे भी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, या इससे भी जो है तीनों से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, सो इट इज नोन एज पॉलीसाइफोनस। एंड एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइफोनस इज मालवेशी, एंड कुकुरबिटेसी जो प्लांट्स है मालवेसी और कुकुरबिटेसी, जिसमें कुकुम्बर वगैरह जो होते हैं, ककड़ी, खीरा वगैरह, ये जो है इनके अंदर पॉलीसाइफोनस
जो है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो है एक पोलन ट्यूब, एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा की पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो भी रहा है तो भी क्या होगा कि यहां से जैसे ये वाली जो है इसका फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन ओव्यूल जो है ओव्यूल में सिर्फ ओनली वन जो पोलन ट्यूब है वो ही एंटर करेगी, सारे के सारे चाहे वो एक से ज्यादा कितनी भी बन रही है सबका जो है वो एंट्री नहीं होगी। इट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा जो इसमें ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, सेकेंड स्टेप ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। यहां से देखिए ये जो स्टिग्मा था इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स जो है इसका जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होते ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया। अब यहां से ये जो पोलन ट्यूब होती है ये पोलन ट्यूब इस लॉन्ग स्टाइल वाला जो पार्ट है इस स्टाइल वाले पार्ट में ग्रो करेगी, दैट इज स्टाइल। ओके, इस वाले स्टाइल वाले पार्ट में टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल जो इसकी तरफ ग्रो करना, ये रहेगा इसमें सेकंड स्टेप ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो स्टाइल होती है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें जो है एक पैक्टिनेज, पैक्टिनेज जो इंजन है पैक्टिनेज, पैक्टिनेज इंजन, पैक्टिनेज जो एंजाइम है इसके हेल्प से इसके मिडिल वाला जो टिश्यू है ये डिग्रेडेड हो जाएगा, और डिग्रेडेड होने से इसमें जो है एक होलो स्पेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो है ये इसको आगे की ओर ग्रो करने में हेल्प करेगा, जब जो यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है इस ओव्यूल की तरफ उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा ये जो है। और कुछ जो है कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर स्टाइल जो होते हैं वो ऑलरेडी होलो होती है, तो इसमें जो है वो म्यूकस, म्यूकस प्रेजेंट होता है वो भी इसको ओव्यूल्स की ओर मूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो स्टाइल होती है स्टाइल इस वाले पार्ट में और ओव्यूल जो होता है इनके थ्रू कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इसकी ग्रोथ को ओव्यूल्स की तरफ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यूनिट डायरेक्शन सबसे फर्स्ट में तो ये जो एक डायरेक्शन में जो है यहाँ पे ग्रो करेगा, एंड एम एंड कीमोट्रोफिक, कीमोट्रोफिक इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो स्टाइल होती है इस स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब जो है उसकी ग्रोथ वो किस टाइप की होती है, सो इट इज कीमोट्रोफिक। तो व्हाट इज द मीन ऑफ कीमोट्रोफिक मूवमेंट, यहाँ से कुछ मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं वो पोलन ट्यूब से और कुछ मैटर्स हैं वो ओवरी और ओव्यूल जो होते हैं इनके थ्रू सीक्रेट होते हैं, तो ये इसको इंटरेक्ट करते हैं आगे की ओर ग्रो करने में हेल्प करते हैं, सो इट्स मूवमेंट नोन एज कीमोट्रोफिक। सो मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोफिक इन स्टाइल, स्टाइल जो होता है इसके अंदर ये कीमोट्रोफिक टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप। अब ये जो है यहाँ से आगे की ओर यहाँ तक ग्रो करती जाएगी, लास्ट जो है यहाँ तक, और ये जो है वो ओव्यूल तक आ जाएगी, यहाँ तक कंप्लीट जो इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ तक इसके पहुँचने का जो स्टेप रहेगा दिस ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। नाउ नेक्स्ट थर्ड, थर्ड जो स्टेप है थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से देखिए ये जो है पोलन ट्यूब वो ओव्यूल तक पहुँच चुकी है, अब इसके बाद में जो है ये पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल्स में एंटर करेगी, तो थर्ड जो स्टेप है थर्ड स्टेप रहेगा हमारे इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेल, थर्ड स्टेप। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, ये जो है ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक।
अब यहां से देखिए ये जो है ये ओव्यूल है, और ओव्यूल्स तक यहां पर हमारे पास जो है पोलन ट्यूब वो पहुंच चुकी है। तो इसकी जो एंट्री है वो किस टाइप से होगी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन इन द, चलो इसको बाद में देखेंगे, थर्ड जो है इन ओव्यूल, पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओव्यूल ठीक है। तो अब यहां पे जो है ओव्यूल, ये ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है। इसमें ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर इसमें पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो थ्री वेज से होती है, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स में से किसी भी पार्ट से प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे माइक्रोपाइल एंड है, चैलेजल एंड है, इंटिगमेंट्स एंड है, तो किसी भी एंड से इसमें एंट्री कर सकती है। तो उनकी बेसिस पे इसकी जो है वो टाइप्स वो भी डिफरेंट हो जाएंगे, किस एंड से एंटर कर रही है उसी के बेसिस पे हम लोग उसको नाम देते हैं। तो थर्ड है इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो इसमें पोरोगैमी, फर्स्ट इज पोरोगैमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरोगैमी। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये ओव्यूल, ये कंप्लीट ओव्यूल है हमारे पास। अब इस ओव्यूल के अंदर यहां पे ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें थ्री एंटीपोडल सेल, वन इज एग सेल एंड वन इज न्यूक्लियर सेल, ओके। ये यहां से देखिए इसमें एंट्री कैसे होगी, पोरोगैमी में, पोरोगैमी का मतलब क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल में जो एंड है उसमें, जिसमें माइक्रोपाइल एंड कौन सा है, इट इज चैलेजा, चैलेजा इट इज इंटीग्रमेंट, इंटीग्रमेंट इट इज फ्यूनिकल एंड इट इज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है यहां से इसमें एंटर करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये ओव्यूल था, यहाँ पे जो पोलन ट्यूब आएगी वो पोलन ट्यूब आके यहाँ पे इसके साथ माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर करेगी। सो इट इज द फर्स्ट है, ये ओव्यूल में पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो रही है ओव्यूल में, ये कंप्लीट ओव्यूल है, तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड से एंटर कर रही है, देन इट कॉल्ड पोरोगैमी थ्रू माइक्रोपाइल एंड, ओके। सेकंड वन, सेकंड जो टाइप है इसमें सेकंड वन इज चेलेजोगैमी, सेकंड वन इज चेलेजोगैमी, चैलेजोगैमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैलेजोगैमी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चैलेजल एंड, थ्रू चैलेजल, चैलेजल एंड, चैलेजल एंड जो है उस एंड से एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, इट इज एम्ब्रियो सैक, इज माइक्रो, इट इज माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल, इट इज चैलेंजर फ्यूनिकल, अब यहां से देखें इसमें पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी, इस चैलेंजर एंड से, ये वाला जो चैलेंजर एंड है
वो चले जाए एंड से एंटर करेगी यहाँ पे, स्टेल से यहाँ पे आएगी, ओके। इट इज पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो चैलेंजर एंड से हो रही है, ये चैलेंजर एंड हो गया, ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, तो चैलेंजर एंड से जो एंट्री कर रही है इट इज नोन एज पोलन चैलेंजर वैली, ओके। एंड थर्ड वन इज मीजोगैमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीजोगैमी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू इंटिग्यूमेंट्स और बाय इंटिग्यूमेंटल पार्ट नोन एज मीजोगैमी। तो मीजोगैमी जो है वो रहेगा इसमें by integument, by integument part, okay. For example, this embryo cell, antipodal cell, इसमें जो इंटीग्रमेंट जो पार्ट है ये इट इज इंटीग्रमेंट, इंटीग्रमेंट यहां से जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो इसमें आउटर इंटीग्रमेंट्स और इनर इंटीग्रमेंट्स इनको क्रॉस करते हुए स्टेप से जो है वो एंटर करेगी स्टेप, ओके। ये जो है इट इज पोलन ट्यूब, pollen tube. So what is the meaning of mesogamy? Entry of pollen tube in ovule through integuments. It is outer integuments and it is inner integuments. So entry of pollen tube through integuments known as mesogamy. तो यहाँ से देखें अब जो है entry हो चुकी है इसमें ovule में, ovule के inner वाले side में यहाँ पे micropyle जो है उस micropyle वाले end से enter कर गया या फिर चैलेंजर end से enter कर गया या फिर इंटीग्रमेंट से इसकी एंट्री होगी। तो अब यहाँ से जो है एंट्री वो किस में होगी, एम्ब्रियो सैक में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा फोर्थ, फोर्थ इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, फोर्थ स्टेप है एंट्री ऑफ pollen tube in embryo sac, embryo sac, okay, embryo sac, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, embryo sac जो है complete female gametophyte है, यहाँ से, इसमें अब ये जो embryo sac है, इसमें first egg cell, इसके साथ ये जो है, ये synergid cells, it is these three cells are antipodal cells and it is secondary nucleus, okay. First two cells mein these are antipodal cell secondary nucleus, secondary nucleus, it is egg and these are synergid cells, synergid cell, okay. ये जो synergid cells होती हैं, अब इन synergid cells में देखिए यहाँ से, इसमें जो है इस तरह से यहाँ पे ये filamentous structure होती है, okay. These filamentous structure known as filiform, known as filiform, filiform
अपार्टस। आई होप दिस इज विजिबल फॉर यू, ये दूसरे कलर के चौक से लिखा है। तो ये फिलिफोरम। अब यहाँ से देखिए पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ तक आ गया हमारे पास पोलन ट्यूब। ओके ये पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर ये वाले मेल गैमेट्स, इसका जो टर्मिनल एंड है इसके ऊपर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। अब यहाँ से जब एंटर करेगी तो सबसे फर्स्ट में ये जो है ये एंटर करेगी थ्रू फिलिफोरम, फिलिफोरम वाले जो अपार्टस है इस वाले में अपार्टस में यहाँ पर एंट्री करके, और जो एम्ब्रियो सैक है इस एम्ब्रियो सैक के मिडिल वाले पार्ट पे एंटर करके, और यहाँ से इसका जो टर्मिनल एंड है इट इज ब्रेस्ट, ये टूट जाएगा यहाँ से। और जैसे टूटेगा तो इसके साथ ये वाले जो दोनों मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स भी यहाँ पे आके और इसमें फ्री हो जाएगी। ओके तो इसमें फर्स्ट में जो है इसकी जो एंट्री हो रही है ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में इट इज एग सेल एंड टू आर सिनर्जिड सेल्स। जैसे ये पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड सेल्स जो है इनके फिलिफोरम अपार्टस से एंटर करके और इसमें मिडिल वाले पार्ट में पहुंचकर यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगी, इसका जो टर्मिनल एंड है वो टूट जाएगा और उसके साथ दोनों जो मेल गैमेट है ये भी एम्ब्रियो सैक में फ्री हो जाएंगे। ओके तो यहाँ से देखिए ये जैसे यहाँ पे फ्री हो गए, जैसे ये एंटर करने के बाद अब ये जो दोनों सिनर्जिड सेल्स हैं दीज आर डेस्ट्रॉय, अब यहाँ से जो है ये डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, टूट जाएंगे या फिर जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ओके नष्ट होने के बाद में दोनों के दोनों जो मेल गैमेट्स हैं ये यहाँ पे फ्री हो चुके हैं। अब फ्री होने के बाद में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट, अब यहाँ से इसमें फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों मेल गैमेट्स हैं वो रेडी हैं। तो ओके नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंड ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन। ओके व्हाट द मीन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अभी देखिए हम लोगों ने कि यहाँ पे जो है ये एम्ब्रियो सैक है, इट इज एम्ब्रियो सैक, इट इज एग सेल एंड टू आर सिनर्जिड सेल्स, इट इज फिलिफोरम अपार्टस, ओके इट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड दीज थ्री आर एंटीपोडल सेल्स। अब यहाँ से जो है ये दोनों दोनों मेल गैमेट है वो यहाँ पे फ्री हो चुके हैं। फ्री होने के बाद में अब ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं दे आर डेस्ट्रॉय, ये जो है ये तो यहाँ से डेस्ट्रॉय हो जाएंगी, बचेगा यहाँ पे एग सेल, एग एग ओवा और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके तो यहाँ से जो है ये दोनों मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट मेल गैमेट। फर्स्ट जो है फ्री होने के बाद में फर्स्ट जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो तो यहां पे आएगा और इस एग का जो है न्यूक्लियस इसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा, सो इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये एक मेल गैमेट है और ये जो फीमेल गैमेट है, एक मेल गैमेट एक फीमेल जो एग, तो इन दोनों का जो फ्यूजन है यहाँ पे ये तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ओके मींस एग जो है वो भी हैप्लोइड यहाँ पे और ये जो मेल गैमेट है इट आल्सो हैप्लोइड, तो यहाँ से हैप्लोइड और हैप्लोइड इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा डिप्लोइड स्ट्रक्चर एंड इट फॉर्म जायगोट, जायगोट। तो यहाँ पे मेल गैमेट और एग का जो फ्यूजन है इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके नेक्स्ट वन, दूसरा जो मेल गैमेट है इसका क्या होगा। अब यहाँ पे ये जो है ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस और इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके ये ऑलरेडी कौन सी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर है, हैप्लोइड हैप्लोइड सो डिप्लोइड।
हैप्लोइड प्लस हैप्लोइड मीन्स एन प्लस एन, इस कंडीशन में तो पहले से है। अब ये वाला जो दूसरा न्यूक्लियस है ये मेल गैमेट, दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, और इसके साथ फ्यूज होने के साथ एक्स का जो न्यूक्लियस है उनके साथ ऐड हो जाएगा। तो एन प्लस एन तो पहले से, एक एन और आ गया, ये कौन सा आ गया, ये मेल गैमेट है। तो इट इज नोन एज इट फॉर्म ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर, थ्री एन स्ट्रक्चर। तो यहां से सेकेंड जो मेल गैमेट है, इस सेकेंड मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होना, इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। यही जो है ये कहलाएगा इसमें ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, और यहां से जो है ये हो रहा है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, दूसरी बार यहाँ पे जो है वो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे गैमेट्स तो क्या है, लेकिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ये जो है ये दोनों यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा इसमें ट्रिपल ट्रिपलॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ट्रिपल फ्यूजन, और एक बार यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। ओके, ये जो है ये कहलाएगा इसमें ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये जो था इस ड्यूअल फर्टिलाइजेशन जो है इसकी खोज, इसकी जो डिस्कवरी है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी जो डिस्कवरी है ये की है एस जी नवास्चिन, एस जी नवास्चिन जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, और इन्होंने जो है इनको किया था 1898 में किया, और किस प्लांट के ऊपर किया, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। ये भी हमें रिमेम्बर रखना पड़ेगा, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया। ये दोनों जो है एसजी नवासिन जो है, एसजी नवासिन ने डिस्कवर किया, कब किया, 1898 में, और किस प्लांट पे किया इन्होंने इसकी स्टडी, लिलियम या फ्रिटिलेरिया जो है इसके ऊपर इन्होंने जो है वो डिस्कवरी की है। ठीक है, तो ये था इसमें ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाली जो टर्म्स है ये आपको समझ में आई होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए हम जो है मेन है इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उनका फ्यूजन होना, वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट जो इसमें स्टिग्मा पे उसमें जर्मिनेशन होना, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल्स, एंट्री ऑफ ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप की होती है। फर्स्ट वन कौन सी है, पोरोगमी, सेकेंड वन चेलेजोगमी, एंड थर्ड वन इज मीजोगमी, तीन टाइप्स में एंट्री होगी। उसके बाद में जैसे एंट्री होगी तो दोनों जो मेल गैमेट है, फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो एग के साथ अटैच होगा, इट इज फर्टिलाइजेशन, और सेकंड जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होगे और ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो है ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, सो इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे ये ट्रिपल फ्यूजन है और ये फर्टिलाइजेशन, दो बार जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इट इज नोन एज ड्यूअल फर्टिलाइजेशन। एंड डिस्कवरी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डिस्कवरी ऑफ ड्यूअल फर्टिलाइजेशन is by S.G. Navastin, S.G. Navastin है, when 1898, कब किया, 1898 में किया, और किस प्लांट पे किया ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, इस वाले प्लांट पे जो है इन्होंने इनकी डिस्कवरी की है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।